पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा का कमल खिलने से देश में एक बार फिर मोदी मैजिक का जलवा सामने आया है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में बीजेपी सरकार बनने का दावा करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इसे राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत बताया। देखिए, कांग्रेस तो ठीक है, पर उससे ज्यादा खतरनाक लेफ्ट मोमेंट था, जिस तरीके से अलगाववादी बातें करते थे, इसलिए खतरनाक था लेफ्ट मोमेंट भी, और इसलिए बहुत जरूरी है कि इसी विचारधारा के ऊपर राष्ट्रवादी ताकतें विजय। तीन राज्यों में मिली बड़ी जीत को लेकर विजयवर्गीय आत्मविश्वास से भरपूर नजर आए। साथ ही मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की जीत का सिलसिला जारी रखने का दावा किया। मैंने आज ट्वीट किया है कि अब त्रिपुरा से सीधे हमारी जीत पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक जाएगी। जबकि एक सवाल के जवाब में कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को फुस्सी बम भी कह डाला। आप खुद ही सुन लीजिए कैसे विजयवर्गीय ने सिंधिया को टेस्टेड बम करार दिया। पिछली बार हमने देख लिया था उनका कितना प्रभाव है मध्य प्रदेश के अंदर। कांग्रेस की सबसे कम सीट आई तो उनको जब चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तब आई, इसलिए टेस्टेड बम है, कोई हमें उसकी कोई चिंता नहीं है सिंधिया जी से। इसी तरह कोलारस और मुंगावली उपचुनाव में मिली हार को लेकर कहा कि वहां बीजेपी हार कर भी जीती है। कुल मिलाकर सिंधिया पर बरसे कैलाश विजयवर्गीय अब फिर सुर्खियों में है और बयानों की पिचकारी से अब उन्होंने होली पर सियासी बयानों की होली खेली। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। वास्तव में देश का लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया बचेगा।